फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञानदू पर। ठीक है, हम लोगों ने कल जेके जीएस का एक अच्छा सा टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट किया था। ठीक है, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला आप सभी का। ठीक है, उसी कड़ी में बढ़ते हुए आज फिर हम लोग लगातार आपके साथ बने हुए हैं और आज फिर एक अच्छे टेस्ट सीरीज के साथ आए हैं, जिसमें 30 बेस्ट क्वेश्चन का यहाँ पर संकलन किया गया है। आई होप ये भी आप अटेम्प्ट करो। ठीक है, और आप कहाँ पर लाइक कर रहे हो ये आप अपने आप में सेल्फ चेकिंग कीजिए। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जीके जीएस का काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन का आज सेट लेकर आए हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, 1935 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि 1935 में, ठीक है, 1935 में हरिजन संघ की जो स्थापना हुई थी, ठीक है, वो हमारे किसके द्वारा की गई थी, भारतीय हरिजन संघ की स्थापना। ठीक है, तो भारतीय हरिजन संघ की जो स्थापना हुई थी 1935 में, वो किसके द्वारा की गई थी। हमारे पास ऑप्शन है, श्री नारायण गुरु, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर। आप सभी को पता होना चाहिए कि 1932 में, ठीक है, एक 1932 के पहले अगर आप ध्यान दीजिएगा तो 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। गांधी और क्या बोलते हैं लॉर्ड इरविन के बीच में पैक्ट हुआ था कि क्या बोलते हैं सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के तरफ से गांधी जी जाएंगे। ठीक है, और भी चीजें डील हुई थी। उसके बाद 1932 में गांधी जी ने क्या बोलते हैं हरिजन भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी 1932 में। इसलिए हमारा यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बी फॉर बॉम्बे, महात्मा गांधी के साथ हम लोग जाएंगे। भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 में की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, कणों के बीच आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित पदार्थों को व्यवस्थित कीजिए। एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, सपोज ये हमारे पास एक मैटेरियल है। ठीक है, अब इसके बीच ये जो मैटेरियल होता है, प्रत्येक वस्तु जो हमारे पास हमारे सामने है हमारे बीच है, वो कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं परमाणु से बना हुआ है, कण से बना हुआ है। ठीक है, छोटे छोटे परमाणु एटम से बना हुआ है। ठीक है, अब ये जो एटम से बना होता है, इन एटम के बीच में एक आकर्षण आकर्षण बल होता है। ठीक है, जिस जैसा प्रकार का हमारे पास वस्तु होगा, ठीक है, जैसे हमारे पास सॉलिड है, तो सॉलिड में जो भी आकर्षण जो भी कण होंगे उनके बीच का जो आकर्षण बल होगा वो काफी मजबूत होगा, इसलिए उसे सॉलिड भी कहते हैं, क्योंकि उस कण को अलग नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार अगर हम लोग क्या बोलते हैं लिक्विड को देखेंगे, तो लिक्विड में जो भी कण होते हैं, ठीक है, और उस कण के बीच में जो क्या बोलते हैं आकर्षण बल होता है, वो हमारे पास क्या बोलते हैं सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा सा कम होता है। इसलिए तो लिक्विड को क्या बोलते हैं हम लोग किसी भी बर्तन से यहाँ से वहाँ डिस्प्लेस कर सकते हैं। इसके बाद अगर गैस को देखेंगे, तो गैस में जो होता है वो आकर्षण बल जो होता है वो सॉलिड से भी कम होता है, लिक्विड से भी कम होता है, और सबसे कम जो आकर्षण बल होता है दो कणों के बीच में वो हमारा गैस में देखने के लिए मिलता है। तो इस प्रकार आप ये देख चुके हो कि आकर्षण बल कणों के बीच में, परमाणु के बीच में, एटम के बीच में सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा, सॉलिड में होगा। कहाँ पर होगा, सॉलिड में होगा, यानी कठोर वस्तुओं में होगा। उसके बाद उससे कम किस में होगा, लिक्विड में होगा। उसके बाद फिर उससे कम किस में होगा, गैस में होगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये कणों के बीच आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित पदार्थों को व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास दूध है, हमारे पास शक्कर है, हमारे पास हाइड्रोजन है। अब आप ही देखो कि इसमें से सॉलिड कौन है, तो सॉलिड हमारा शुगर है, शुगर का जो पीस होता है चीनी, जिसे हम लोग बोलते हैं शक्कर, वो सॉलिड है। यहाँ लिक्विड कौन है, लिक्विड दूध है। ठीक है, और गैस कौन है, गैस यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो ऑब्वियसली हम लोग जाएंगे किसके साथ, सबसे ज्यादा जो आकर्षण बल होगा वो शक्कर में होगा, उसके बाद किस में होगा, दूध में होगा, और सबसे कम जो आकर्षण बल होगा कणों के बीच में, परमाणुओं के बीच में, एटम के बीच में, वो हाइड्रोजन में होगा। इसलिए हमारे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेसिस क्वेश्चन था, लेकिन ईजी था, इतना भी कुछ हार्ड नहीं था। ठीक है, लेकिन ये जानकारी होनी चाहिए कि एटम के बीच में जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स रहेगा वो सबसे ज्यादा किस में होगा जी, सबसे ज्यादा सॉलिड में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, प्रथम संविधान संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 जो था वो क्या था। ठीक है, उसमें क्या हुआ था, आप सभी को पता है कि फर्स्ट प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम जो था 1951, ठीक है, ये हुआ था। कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है ना कि पूछा जाएगा कि प्रथम संवैधानिक संशोधन जो था वो किस साल हुआ था, 1950, 1951, 1952, 1953। ठीक है, तो यहां तो आप सभी को पता चल गया कि क्वेश्चन में ही एक और आंसर आपको मिल गया कि हाँ भाई साहब, कि प्रथम संवैधानिक संशोधन जो था वो हमारा 1951 में आया था। इतनी तो जानकारी हो गई। ठीक है, लेकिन जो ये आया था ये क्यों आया था, एक्चुअली क्या था, हमारे पास क्या है, मूल अधिकार है।
थोड़ा सा क्वेश्चन के साथ अगर अच्छे से अटेम्प्ट करना है तो थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड में जाते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये आया क्यों था, मूल अधिकार है हमारे पास क्या है, डीपीएसपी है, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है। डीपीएसपी है, मूल अधिकार है, ठीक है। मूल अधिकार हमारे हमें अधिकार देता है कि हमें क्या बोलते हैं, ट्रेवल करने का अधिकार है, हमें बोलने का अधिकार है, हमें एसोसिएशन बनाने का अधिकार है, हमें पूजा करने का अधिकार है। ऐसे बहुत सारे अधिकार हमें मूल अधिकार के द्वारा मिलते हैं। 12 से 35 में ये आता है, ठीक है। डीपीएसपी जो है वो क्या बोलते हैं, 36 से लेकर 51 तक जो है वो हमारा डीपीएसपी है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि जब सरकार जब बनी थी, नई नई जब सरकार बनी थी, 1950-51 का जो इलेक्शन हुआ था, जब सरकार बनी थी, ठीक है। सरकार बनने के बाद एक्चुअली क्या होता था, जब भी कुछ नियम बनता था कि हाँ यहाँ से रोड हम बनाने वाले हैं, ठीक है, और ये रोड जो है ये फलना आदमी के जमीन से गुजर रहा है, तो वो आदमी जमीन देने के लिए एग्री नहीं होता था। अब सरकार को तो रोड बनाना है लेकिन आदमी जमीन दे नहीं रहा है, ठीक है, आदमी चला गया कोर्ट में, ठीक है। तो लफड़ा हो जाता था, मामला काफी पेचीदा हो जाता था, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, मतलब हटाने के लिए तो आदमी बोलता था कि मेरा मूल अधिकार है, मेरा संपत्ति का अधिकार है, मेरा मूल अधिकार है, ठीक है, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा, ठीक है, मैं जमीन नहीं दूंगा। तो ये सब चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए सरकार ने क्या किया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया 1951, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 लाया, जिसके तहत क्या जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। अब ये 9वीं अनुसूची में क्या था, 9वीं अनुसूची में ये था कि कोई भी कानून, कोई भी क्या बोलते हैं अध्यादेश जो कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं मूल अधिकार और डीपीएसपी का हनन करती हो, उसके विरोध में हो, ठीक है, तो उसमें कोई भी कानूनी कोई भी जुडिशियल कोई भी मतलब कोर्ट का कार्रवाई नहीं होगा, वो सभी चीज से संरक्षित होगा, उसमें कुछ भी लफड़ा वगैरह कुछ नहीं होगा। तो अपने कानून को संरक्षण प्रदान करने के लिए क्या बोलते हैं सरकार ने 9वीं अनुसूची को लाया, और किस अधिनियम से लाया, किस संशोधन से लाया, प्रथम संशोधन से 9वीं अनुसूची आया। तो इसलिए आप लोग ये जानकारी आप एक चीज और रख लो कि शुरुआत में जब संविधान बना था टोटल कितने अनुसूची थे, 8 अनुसूची थे, लेकिन अभी कितने हैं, 12 अनुसूची हैं, ठीक है, 12 अनुसूची हैं, 12 12 शेड्यूल्ड 12 अनुसूची है, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची में क्या था कि ऐसे कानून जो कहीं ना कहीं मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को क्या बोलते हैं उसके अगेंस्ट हैं, ठीक है, तो उनका बचाव करने के लिए ही उनको उस सब कानून को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया, और कहीं भी किसी प्रकार का जुडिशियल इंटरफेयर उसमें नहीं हो पाएगा, ऐसा बोला गया था, ठीक है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, और सबसे आसान क्वेश्चन भी है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई साहब ऐसा कौन सा क्वेश्चन था, ठीक है, ऐसा कौन सा मतलब वाद था, ठीक है, जिसमें जिसमें क्या बोलते हैं भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे, ठीक है, जो मूलभूत ढांचा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, मूलभूत ढांचा किसका, संविधान का, ठीक है। तो ऐसा कौन सा केस था, ठीक है, जिसमें भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया, यानी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या संविधान के मूलभूत ढांचे की जो अवधारणा थी उसको प्रतिपाद किया, ठीक है, बताया कि हाँ भाई साहब ये संविधान में भी एक मूलभूत ढांचा है, और सरकार किसी भी कानून के द्वारा, किसी भी नियम के द्वारा इस मूलभूत ढांचे को मतलब डिस्टर्ब नहीं कर सकती है, ये हमेशा बना रहेगा, इसमें किसी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा, ना ही एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये कौन सा केस था, तो ये 1973, आप सभी को पता होगा कि 1973 में, ठीक है, केशव नंदा भारती केस, कौन सा केस, केशवा नंदा, ठीक है, केशवा नंदा भारती केस, ठीक है, केशवा नंदा भारती केस, ठीक है, 1973 जो था उसमें ये बात कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने रखी थी, ठीक है, मूलभूत ढांचे की अवधारणा को रखा था, ठीक है। इसमें ऑप्शन है क्या, हमारे पास ऑप्शन इसमें नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन केशवानंद भारती केस का नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारे पास, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे, ठीक है, जो हमारा संवैधानिक सभा था, ठीक है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे, ठीक है,
कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे। ठीक है, तो आप जब क्या बोलते हैं पॉलिटी पढ़ोगे, पॉलिटी का मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का निर्माण एक चैप्टर है, वो चैप्टर अगर आप अच्छे से पढ़ोगे एनसीईआरटी में भी और लक्ष्मीकांत वगैरह में भी, तो उसमें आपको एक अच्छे से टेबल बनाकर दिया गया है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। ठीक है, तो एक संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है, जिनका नाम जो था वो था बीएन राव। क्या था? बीएन राव। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन में देखिए तो बी एन राव आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इनका जो बी एन है इनका फुल फॉर्म दे दिया गया है, ठीक है, वेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, तो वेनेगल नरसिंह राव जो थे वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे संविधान सभा के। ठीक है, तो वेनेगल नरसिंह राव जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं बी एन राव, तो आपको दोनों याद करना पड़ेगा। बहुत लोग बी एन राव पढ़ के बी एन राव पढ़ते हैं और यहाँ पर तो वेनेगल नरसिंह राव है दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको फुल फॉर्म भी कहीं ना कहीं नाम की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि बी एन राव एक्चुअली क्या है। ठीक है, तो बी एन राव जो है वो वेनेगल नरसिंह राव है। ठीक है, चलिए अब के एम मुंशी यहाँ पर आ गया, तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि के एम मुंशी जो है ये वही व्यक्ति है जिन्होंने 1934 में, ठीक है, 1934 में पहली बार बोला था कि हमें एक संविधान की जरूरत है, हमें एक संवैधानिक सभा की जरूरत है ताकि हम भारतीय लोग अपना संविधान खुद से बना सके और हमें एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में एक संविधान सभा की जरूरत है। ऐसा पहली बार किसने बोला था? के एम मुंशी साहब ने बोला था। ठीक है, चलिए हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, ठीक है, लोहा का शुद्ध रूप क्या है? आप सभी को पता होगा कि लोहा का जो सिंबॉलिक फॉर्म होता है वो Fe होता है। क्या होता है? Fe होता है। ठीक है, और एक चीज जानकारी यहाँ पर और देना चाहूंगा कि आपने सुना होगा कि लोहे में जंग लगता है। क्वेश्चन में अभी मैं आऊंगा, लेकिन इससे पहले जो भी थोड़ी सी एडिशनल जानकारी जो होनी चाहिए, ठीक है, वो मैं आपको दे रहा हूँ कि लोहे में जब भी जंग लगता है ना, ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि जंग लगने के बाद लोहे का वजन बढ़ता है या घटता है। ठीक है, तो जब भी जंग लगेगा तो लोहे का जो वजन होगा, ठीक है, वो क्या होगा? शुरुआती में बढ़ेगा। क्या होगा? शुरुआती में बढ़ेगा। ठीक है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है कि लोहे का शुद्ध रूप क्या है। ठीक है, लोहे का शुद्ध रूप क्या है? तो लोहे का शुद्ध रूप क्या है? हमारे पास ऑप्शन है कच्चा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, स्टील। तो स्टील तो नहीं होगा क्योंकि ये शुद्ध रूप तो है ही नहीं। बचा ये तीन, कच्चा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। तो पिटवा लोहा जो है वो हमारा लोहे का शुद्ध रूप है। ठीक है, लोहे का शुद्ध रूप क्या है? पिटवा लोहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? आप सभी को पता होगा अगर आपने 10th की केमिस्ट्री पढ़ी है, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा कि साबुन जो है, ठीक है, साबुन का, सॉप का, डिटर्जेंट का कैसे बनता है, ठीक है, उसका इमल्सिफिकेशन एक कीवर्ड आता है। ठीक है, वो सब आपने पढ़ा होगा 10th के केमिस्ट्री में। तो 10th के केमिस्ट्री से एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन लाया गया है, ठीक है, कि साबुन जो है वो किसका सोडियम सॉल्ट है। तो बेसिकली जो होता है ना, साबुन का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली, ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूला हो सकते हैं साबुन के, बेसिकली अगर हम लोग देखें तो C17H35 और COOH, ठीक है, ये एक साबुन का बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये किसका सॉल्ट है? ये हमारा अमाइल एल्कोहल, पिक्रिक अम्ल, स्टिरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, इसमें से किसका ये सोडियम सॉल्ट है? तो ये जो है ये हमारा स्टिरिक अम्ल का सोडियम सॉल्ट है। ठीक है, यहाँ पर एच को हटा दिया जाएगा और Na लगा दिया जाएगा, कुछ भी लगा दिया, पोटेशियम लगा दिया जाएगा, सोडियम लगा दिया जाएगा, तो वो उसका साल्ट बन जाएगा। तो वो उसका साल्ट बन जाएगा। तो ये जो अभी सूत्र जो है ना, ये जो आप फॉर्मूला आप देख रहे हो ना, ये स्टेरिक अम्ल का सूत्र है। इसका सूत्र है स्टेरिक अम्ल का सूत्र है C17H35COOH। ठीक है, तो ये हमारा स्टेरिक अम्ल का सूत्र है। यहीं पर हम लोग एच को रिप्लेस कर देते हैं और Na+, ठीक है, Na+ या फिर के, ठीक है, ये सब यहाँ पर ऐड कर देते हैं तो वो हमारा सोडियम साल्ट बन जाता है, पोटेशियम साल्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो साबुन है वो सोडियम साल्ट है किसका? स्टेरिक अम्ल का, क्योंकि ये जो पूरा बेस है ना ये स्टेरिक अम्ल कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? यानी आपके पास जो भी ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, इसमें से कौन सा प्रदूषक जो है वो हमारा बायो डिकम्पोज्ड है? यानी आप अगर ऐसे इसमें से कोई भी ऐसा चीज जो आप मट्टी में रख दोगे और अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा, अपने आप सर गल के मिट्टी में मिल जाएगा, ऐसा कौन सा चीज है? ठीक है, तो जैव विघटित मतलब क्या होता है ना, जैव विघटित मतलब होता है कि ऐसा चीज जो पर्यावरण में मौजूद जो भी जीवाणु है, विषाणु है, वो लोग इसको मिलकर विघटित कर देते हैं। क्या कर देते हैं?
विघटित कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, ठीक है, विघटित कर देते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं। ऐसा कौन सा चीज़ है? पारा है क्या? हमारे पास ऑप्शन है। प्लास्टिक है क्या? प्लास्टिक तो नहीं है, ठीक है। एस्बेस्टस है क्या? तो एस्बेस्टस भी नहीं है, क्योंकि एस्बेस्टस तो पाया ही जाता है, ठीक है। तो हमारे पास जो है वाहित मल, जो हम लोग क्या बोलते हैं डेली यूजुअली मल को एक्सक्रिट एक्सक्रिट करते हैं हमारे बॉडी से, अपने बॉडी से निकालते हैं, ठीक है। हमारे डाइजेशन के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल बचता है, जिसको हम लोग मल के रूप में निकालते हैं रोज, वही मल जो है वो हमारा क्या है, जीव विघटित है। ये अपने आप जीवाणु विषाणु के द्वारा ये विघटित हो जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो वाहित मल था, ठीक है। ये जीव विघटित है, ठीक है। चलिए, इसमें से बस एग्जाम्पल के रूप में पूछा है कि विघटित कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पीतल एक मिश्र धातु है जिसका अवयव क्या है? पीतल जो है वो एक मिश्र धातु है। आप सभी ने एलॉय पढ़ा होगा, और मैंने कल भी एक टेस्ट कराया है जिसमें मैंने मैग्नीलियम, ठीक है, मैग्नीलियम एलॉय की बात कही थी, जिसमें एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के हेल्प से मैग्नीलियम बनता है, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन क्या है कि पीतल जो है, ठीक है, पीतल जो है एक मिश्र धातु है, ये किससे मिलकर बना होता है, ठीक है। ये तांबा टीन और जस्ता से मिलकर बना होता है क्या? तांबा और टीन से मिलकर बना होता है क्या? जस्ता और टीन से मिलकर बना होता है क्या? तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है। तो पूछ रहा है यहां पर क्या कॉपर और क्या बोलते हैं जिंक, ठीक है, जिंक और टीन, ठीक है, कॉपर और टीन, ठीक है, कॉपर टीन और जिंक। तो ये जो होता है पीतल, ये हमारा तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है, कॉपर और क्या बोलते हैं जिंक से मिलकर ये हमारा बना होता है, ठीक है। तांबा और जस्ता के, तांबा और जस्ता से मिलकर क्या बनता है? पीतल बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से कौन सी गैस जो है, इनमें से कौन सी गैस जो है वो इनर्ट गैस नहीं है। अगर आपने कल भी, मैं एक टेस्ट जब करवा रहा था तो उसमें मैं एक क्वेश्चन देखा था, ठीक है, जिसमें था कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व जो है वो एक ही एक ही ग्रुप के हैं, एक ही ग्रुप के हैं, ठीक है। तो मैंने उसमें एक फॉर्मूला ट्रिक बताया था कि हेलिना को रब से फरार, ऐसा करके कुछ ट्रिक था जिसमें हमने क्या बोलते ट्रिक अप्लाई करके आंसर निकाला था। आज भी एक क्वेश्चन है जो पीरियोडिक टेबल से है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सी गैस जो है वो इनर्ट गैस नहीं है। इनर्ट गैस जो होती है ना वो क्रियाशील नहीं होती है, उसे अगर आप यहाँ एनवायरनमेंट में छोड़ दोगे ना, ठीक है, तो वो किसी से रिएक्शन नहीं करेगी, वो किसी से प्रतिक्रिया नहीं करेगी, वो अपने आप शांत रहेगी। क्यों? क्योंकि उसका जो ऑक्टेट रहता है, यानी कोई भी एलिमेंट होता है ना, कोई भी एलिमेंट होता है, ठीक है, तो उसी एलिमेंट का सपोज यहाँ पर सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 12 है, ठीक है। अब ये 12 है ना, तो इसको अगर आप अरेंज करोगे तो 2 8 2 आएगा। तो हर एलिमेंट चाहता है कि हम वातावरण में स्टेबल रहे, हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। तो एक नियम साइंटिस्ट ने निकाला था कि जिस एलिमेंट का आउटर इलेक्ट्रॉन जो है 8 हो जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन, वो एटम जो है, वो तत्व जो है वो बैलेंस रहेगा एनवायरनमेंट में। इसका कितना है? 2 है। तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है और अपने ऊपर Na2+ का चार्ज लगा लेता है, ठीक है। अब Na2+ का चार्ज जब लगा लेगा, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? इसके पास जो बचेगा वो 2 8 बचेगा। अब इस Na2+ का आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 8 हो गया, यानी 8 कंप्लीट हो गया। तो ये जो है स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबल होने के लिए क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंडीशन क्या है कि किसी भी एलिमेंट का आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 8 होना चाहिए, यानी ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, तो स्टेबल होने के लिए। लेकिन विथाउट, क्या बोलते हैं, जिसका पहले से ही ऑक्टेट कंप्लीट हो, जिसका पहले से ही आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो, उसको कोई दिक्कत होनी चाहिए क्या? कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वही कौन है? वो हमारे इनर्ट गैस है, वही हमारे इनर्ट गैस है। इनको इनका आउटर सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन रहता है वो 8 रहता है, कंप्लीट रहता है। इनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, किसी से रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तो इनका आउटर सेल क्या है? 8 कंप्लीट है। 8 कंप्लीट है तो ये अपने आप में क्या है? स्टेबल है, इनर्ट है, ठीक है, इसलिए इनको इनर्ट गैस बोलते हैं। तो कौन नहीं है वो पूछा जा रहा है। और आप बोलोगे कि सर आंसर तो बस इतना ही पूछा था ना कि इनर्ट गैस कौन नहीं है, आप आंसर लगवा देते। नहीं, ठीक है, थोड़ा सा समझाने की भी जरूरत है कि चीजें क्या है, ठीक है, क्या पूछा जा रहा है और इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हर चीज में, हर क्वेश्चन में बताना ही, ठीक है, और कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ना ही ज्ञानतु का एक नेचर है, एक मोटो है।
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये इनर्ट गैस कौन नहीं है? तो हीलियम हमारा इनर्ट गैस है, नियोन हमारा इनर्ट गैस है, जिनोन हमारा इनर्ट गैस है, फ्रियोन जो है वो हमारा इनर्ट गैस नहीं है। तो क्वेश्चन के अनुसार नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, तो हमारा सही हो जाएगा आंसर हमारा फ्रियोन। ठीक है, फ्रियोन जो है वो इनर्ट गैस नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करते चलना है, और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इसको शेयर भी करना है। ठीक है, क्या करना है? शेयर करना है, ताकि आपके फ्रेंड्स भी जो बीएसएससी इंटर स्तरीय एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी इससे बेनिफिट ले सके। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 50 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। कितना रहता है टेम्परेचर? 50 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। ठीक है, ये सेल्सियस में है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसको फॉरेन हाइट में चेंज कीजिए, इसको फॉरेन हाइट में चेंज कीजिए। आप सभी को पता है कि फॉरेन हाइट में जब भी हम लोग टेम्परेचर निकालते हैं, फॉरेन हाइट में जब भी हम लोग टेम्परेचर निकालते हैं क्या करते हैं? ठीक है, एक सूत्र होता है, ठीक है, सेल्सियस में जो दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 9/5 से, और हेड कितना कर दीजिए? 32 हेड कर दीजिए। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, किसी भी सेल्सियस को फॉरेन हाइट में अगर हम लोग को चेंज करना है तो हमारे पास सेल्सियस कितना दिया हुआ है? हमारे पास सेल्सियस दिया हुआ है 50 डिग्री। ठीक है, 50 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ये 50 है। ठीक है, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 9/5 से, और +32 कर देंगे। इसे आप अगर डिवाइड करोगे 10 हो जाएगा, 10 × 9 90, और 90 + 32 कितना हो गया? 112 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही निकालना, ये फॉर्मूला को आप नोट डाउन कर लोगे अगर आपको याद नहीं है तो। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है? ठीक है, तो एक्चुअली इसमें क्या है ना कि आप लोग को जूट का मुख्यालय, जूट का रिसर्च का मुख्यालय कहाँ पर है, पोटेटो का रिसर्च का मुख्यालय कहाँ पर है, चमड़े के रिसर्च का मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, किस स्टेट में है, तो ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। उसमें से एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ पर है? तो ये जो है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ पर है? ऑप्शन हमारे पास है डिगबोई, झारसुगड़ा, जयपुर, पन्ना। तो किसी किसी को भी अगर नहीं भी आता है ना तो ये सीधा क्या है ना, पन्ना मार देगा। ठीक है, ये जो है वो सीधा पन्ना को आंसर मार देगा, और पन्ना सही भी है। ठीक है, क्योंकि पन्ना मतलब थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा है ना कि थोड़ा सा हीरे हीरे जवाहरात टाइप का कुछ चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के हीरे की खान कहाँ पर है? पन्ना में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, फिल्म पाथेर पंचाली किनके द्वारा निर्देशित है? पाथेर पंचाली जो था, ठीक है, एक काफी बेहतरीन मूवी था। ठीक है, शुरुआती मूवी है। ठीक है, तो पाथेर पंचाली जो मूवी है, ठीक है, वो हमारा जो है वो किसके द्वारा निर्देशित है? ठीक है, इसके डायरेक्टर कौन है वो पूछा जा रहा है। विमल राय, सत्यजीत राय, मृणाल सेन, गुरुदत्त। तो पाथेर पंचाली जो मूवी है इसके जो निर्देशक थे, डायरेक्टर जो थे वो हमारे सत्यजीत राय थे। कौन थे? सत्यजीत राय थे। ठीक है, पाथेर पंचाली के डायरेक्टर कौन थे? सत्यजीत राय थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो होता है वो कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है सभी को पता है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहल जो है नरेंद्र मोदी जी ने की थी। ठीक है, और उसके बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाए जाने लगा। ठीक है, बेसिक सा है, आपको ये बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 2023 का थीम क्या था। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 2023 का थीम क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है? ठीक है, कल भी मैंने ये कराया था, और आज भी ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है कि एक तरफ आपके पास कंट्री है और एक तरफ कंट्री का कैपिटल है।
ठीक है, अगर आप बीएसएससी इंटर स्तरीय की भी तैयारी कर रहे हो, अगर आप जेएसएससी सीजीएल की भी तैयारी कर रहे हो, तो उस दोनों दोनों एग्जाम में ठीक है इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनी रहती है कि एक तरफ कंट्री रहेगा और एक तरफ क्या बोलते हैं उसके कैपिटल्स रहेगा। तो थोड़ा बहुत आपको ये जानकारी होनी चाहिए, खासकर आप अफ्रीका और एशिया की जो भी कंट्रीज है, दक्षिण अफ्रीका की जो भी कंट्री है, उसका आप कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं कैपिटल आपको याद होना चाहिए। हमारे पास ऑप्शन क्या है देखते हैं, ठीक है। मिस्र का कायरा, सभी को पता है कि मिस्र का कायरा होता है, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन सही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, मिस्र का कायरा होता है सभी को पता है, ठीक है, तो ये तो सही है। केन्या का नैरोबी, केन्या के कंट्री है, इसका कैपिटल जो है वो नैरोबी है, ये भी सही है। सूडान का खारतुम, ये भी क्या बोलते हैं अफ्रीका का ही कंट्री है, केन्या भी अफ्रीका की ही कंट्री है, और मिस्र भी जो है वो अफ्रीका की ही कंट्री है, यानी तीनों की तीनों कंट्री अफ्रीका की है। इसलिए मैं बोल रहा था जब भी आप कंट्री कैपिटल याद करोगे ना, सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट में लो क्या बोलते हैं अफ्रीका को, अटेम्प्ट में लो अफ्रीका की कंट्री का प्रैक्टिस करो, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर जो आप दक्षिण अफ्रीका देख रहे हो ना, दक्षिण अफ्रीका का जो कैपिटल है ना वो जोहान्सबर्ग नहीं है, ठीक है, वो हमारा जोहान्सबर्ग नहीं है, वो हमारा कैप टाउन है। क्या है? कैप टाउन है, ठीक है। तो यहां पर ये हमारा इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट ही पूछा जा रहा है कि इस क्वेश्चन में कौन सा इनकरेक्ट मिला हुआ नहीं, मतलब इनकरेक्ट मिला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फिजी की राजधानी कौन सी है? तो सिंपल सा है कि फिजी जो है वो कहां पर पड़ता है, फिजी जो है वो हमारा क्या बोलते हैं फिलीपींस के ऊपर, ठीक है, इस साइड में पड़ता है, और क्या बोलते हैं दक्षिण अमेरिका के पश्चिम साइड में पड़ता है, प्रशांत महासागर में एक छोटा सा देश है, जहां अभी हाल ही में क्या बोलते हैं हिंदी दिवस मनाया भी गया है, ठीक है। तो फिजी की राजधानी कहाँ पर है, तो ये देश चर्चा में था इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन लाया गया है, ठीक है। तो फिजी जो था, फिजी छोटा सा देश है जिसका कैपिटल जो है वो सूबा है, क्या है? सूबा, इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, ठीक है, सूबा, ठीक है। सूबा जो है वो फिजी का कैपिटल है। फिजी किस महासागर में है? तो ये प्रशांत महासागर में बसा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा पूर्व दूसरी सदी में शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक रचना की, ठीक है, और क्या बोलते हैं जो संस्कृत भाषा में था, मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है? आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर मृच्छकटिकम जो चर्चा की गई है, मृच्छकटिकम के रचयिता कौन थे? मृच्छकटिकम के जो रचयिता थे वो शूद्रक थे। कौन थे? शूद्रक थे, ठीक है, शूद्रक, ठीक है। मृच्छकटिकम जो है वो शूद्रक साहब ने लिखा था, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है, तो मृच्छकटिकम का जो अर्थ होता है वो होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी, ठीक है, मिट्टी की छोटी गाड़ी, ठीक है। सिंपल सा फैक्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि भू अस्थिर उपग्रह, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, ठीक है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, ठीक है। एक्चुअली इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी इसरो जब क्या बोलते हैं को सैटेलाइट को लॉन्च करता है, ठीक है, और ये क्या बोलते हैं टेली कम्युनिकेशन के लिए, दूर संचार के लिए जब को सैटेलाइट मेनली लॉन्च करता है, तो वो सैटेलाइट जो है ना वो पृथ्वी के साथ ही घूमती है, पृथ्वी के साथ ही घूमती है, मतलब पृथ्वी के चारों तरफ ये चक्कर लगाती रहती है, ठीक है, पृथ्वी के चारों तरफ, ये जिस प्रकार पृथ्वी के चारों ओर तरफ मून चक्कर लगाता है, उसी प्रकार पृथ्वी के चारों तरफ जो है वो पृथ्वी की गति से, पृथ्वी जिस अपने एक्सिस पर जिस घूर्णन गति से, जिस स्पीड से वो पृथ्वी अपने एक्सिस पर मूव करता है, ठीक है, रोटेट करता है, उसी स्पीड से ये सैटेलाइट भी क्या बोलते हैं रोटेट करती है। तो ऐसा देखने में आता है कि लगता है कि वो स्टेशनरी है, वो क्या है? स्टेशनरी है, ठीक है। तो स्टेशनरी है और क्या बोलते हैं अर्थ के चारों तरफ घूम रही है, ठीक है, तो लगता है कि वो स्थिर है। जब भी आप जिस स्पीड से चल रहे हो ना रोड पर गाड़ी लेकर, और उसी स्पीड से कोई दूसरा गाड़ी भी लेकर चलेगा ना, ठीक है, तो लगेगा ना कि वो चल ही नहीं रहा है, वो आपके साथ बस बगल में खड़ा है, ऐसा लगेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी भू स्थिर उपग्रह लॉन्च किया जाता है तो पृथ्वी के चारों तरफ पृथ्वी के घूर्णन जो गति होता है उसी के साथ साथ वो भी पृथ्वी के चारों तरफ घूर्णन करता है। जिस गति से पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूर्णन करती है ना, उसी गति से ये उपग्रह भी क्या बोलते हैं उसके चारों तरफ घूर्णन करता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा ऐसा देखने के देखने में माना जाता है कि वो जो है वो स्थिर है। किसके कंपेयर में? पृथ्वी के कंपेयर में स्थिर है। क्यों? जिस स्पीड से पृथ्वी घूर्णन कर रहा है उसी स्पीड से वो उपग्रह भी घूर्णन कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया भू स्थिर उपग्रह। क्या नाम पड़ गया? भू स्थिर उपग्रह। पूछा जा रहा है कि किस दिशा में घूमता है, तो ये हमेशा पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमता है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व, ठीक है, पश्चिम, ये हमारा ये मेरे साइड ये पश्चिम है, ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व घूमता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? सभी को पता होगा, आप सभी ने एसिड रेन और अम्ल वर्षा के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, अम्ल वर्षा, ठीक है, एसिड रेन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये जो एसिड रेन होता है ना, ठीक है, ताजमहल का ऊपरी गुंबद जो है वो समय के साथ येलो हो रहा है। क्यों हो रहा है? अम्ल वर्षा के कारण हो रहा है, क्योंकि ताजमहल जो बना हुआ किससे बना हुआ है? संगमरमर से बना हुआ है, और संगमरमर से जब बना हुआ रहता है, ठीक है, तो वो एसिड रेन जब उसमें गिरता है तो रिएक्शन होता है, और उसके कारण से उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है। हमारे पास ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये जो एसिड रेन होता है, अम्ल वर्षा होता है, ये हमारा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। जब ये नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जब ये वर्षा से मिलती है तो नाइट्रिक एसिड बन जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, और ऐसा जब होता है तो उस वर्षा को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड रेन बोलते हैं, अम्ल वर्षा बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? इसके पहले हमने एक क्वेश्चन किया है कि कौन सा जो था वो जैव विघटित होता है, जो अपने आप विघटित हो जाता है जीवाणुओं विषाणुओं के हेल्प से मिट्टी में मिल जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, यानी क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यहाँ पर बात की जा रही है। क्या बात की जा रही है? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की बात की जा रही है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की बात की जा रही है। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में क्या होता है, हमें कुछ करने की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं, ठीक है, जो हमारे पास प्राकृतिक रूप से मौजूद है उसी को ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बोलते हैं। ऑप्शन क्या है हमारे पास, नीम, यूरिया, पोटेशियम। पोटेशियम तो होगा नहीं और यूरिया तो होगा नहीं, नीम अकेले क्या ही कर बैठेगा, ठीक है। नीम क्या होता है? कुछ नहीं, बस ये जीवाणुओं और विषाणुओं को दूर रखता है, ठीक है। तो ये एजोला जो होता है ना, एजोला आपने पढ़ा होगा साइंस में, ठीक है। तो एजोला जो है ये हमारा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। क्या है? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है एजोला। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी फॉर कलकत्ता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, गन पाउडर किस मिश्रण से बना होता है, ठीक है। इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन किया था, किसके द्वारा, किस में, उसमें क्या था, पीतल क्या चीज से बना होता है? तो पीतल जो बनाता बनता है वो तांबा और जस्ता के हेल्प से बनता है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि गन पाउडर जो है वो किस मिश्रण से बना होता है। तो जिस चैप्टर में आप एलॉय एलॉय पढ़ोगे, ठीक है, मिश्रण पढ़ोगे, ठीक है, और उसमें आप पढ़ोगे कि तांबा, सॉरी, जो पीतल है वो किसी से बनता है, ठीक है, वो जो कांसा है, ठीक है, जिसको हम लोग ब्रॉन्ज ब्रास बोलते हैं, वो किस चीज से बना हुआ है, उसी में आप पढ़ोगे कि गन पाउडर जो है वो किस मिश्रण से बनता है। हमारे पास ऑप्शन क्या है, पोटेशियम एंड सोडियम का नाइट्रेट, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम का सल्फेट, चारकोल सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट एंड चारकोल। तो ये गन पाउडर जो है ना, ठीक है, ये गन पाउडर जो है, ठीक है, ये हमारा चारकोल सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट, ये तीन के हेल्प से बनता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सल्फर भी होगा, पोटेशियम नाइट्रेट भी होगा, और क्या होगा, चारकोल भी होगा, ठीक है। चारकोल सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट तीनों के हेल्प से क्या बनता है, गन पाउडर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? तो हमारे जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है, आप सभी को पता होगा, इनके बारे में जानकारी देते हैं कि 1974 को, कब 1974 को इन्होंने संपूर्ण क्रांति स्टार्ट किया था। कौन सा क्रांति स्टार्ट किया था? संपूर्ण क्रांति स्टार्ट किया था, ठीक है, संपूर्ण क्रांति इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है, संपूर्ण क्रांति स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था? जयप्रकाश नारायण साहब ने स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था? 1974 को स्टार्ट किया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण को क्या बोलते हैं हम लोग? लोकनायक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकनायक बोलते हैं, ठीक है। तो लोकमान्य किसे बोलते हैं ये आप लोग कमेंट बताओ, लोकमान्य किसे बोलते हैं ये आप लोग कमेंट बताओ, ठीक है। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? तो भारत रत्न की बात की जा रही है, तो भारत रत्न जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण को 1999 को दिया गया था। बी फॉर बॉम्बे हमारे पास आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन क्या होता है? ये बेसिक सा छठे क्लास का ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन लिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन जो यहाँ पर संकलन किया गया है वो एनसीईआरटी के पैटर्न के हिसाब से ही किया गया है। क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से ही पूछे जाने लगे हैं, चाहे वो दरोगा हो, बीपीएससी तो पूरी तरह से एनसीईआरटी पर ही डिपेंड हो गया है, ठीक है, और दरोगा हो या फिर कुछ भी हो, तो इस प्रकार उसी पैटर्न को समझते हुए हम लोग भी बीएसएससी इंटर स्तरीय का जो भी क्वेश्चन लाए हैं वो एनसीईआरटी पर पैटर्न के हिसाब से लाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उत्तरी गोलार्ध जो है, ठीक है, यानी क्या बोलते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर, इंग्लिश में बोलते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, ठीक है, सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। तो आपको यह समझना है कि उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, किस दिन कर्क रेखा के ऊपर में,
किस रेखा के रूप में, कर्क रेखा के ऊपर में, ठीक है, कर्क रेखा के ऊपर में, ठीक है, एकदम परपेंडिकुलर सन सूर्य जब होता है, ठीक है, किस दिन होता है, 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को होता है। और इसी दिन क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा दिन होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है, यानी जिस दिन कर्क रेखा के ऊपर में क्या बोलते हैं, सूर्य एकदम परपेंडिकुलर हो, ठीक है, 90 डिग्री पर हो, ठीक है, 21 जून को, तो उस दिन क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 21 जून हो जाएगा, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में हमारे पास आंसर 21 जून, सबसे बड़ा दिन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है, अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की बात कही गई है। अगर आपने अशोक का दसों का दसों शिलालेख पढ़ा होगा, 13 का 13 शिलालेख है अशोक का, ठीक है, तो अशोक में आपने पढ़ा होगा कि अशोक का जो पहला शिलालेख है वो क्या बात करता है, पशु बलि की निंदा करता है। क्या बात करता है कि भाई साहब पशु बलि नहीं करना है, ठीक है, जीव हत्या नहीं करनी है, ठीक है। तो अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है, तो ऑप्शन हमारे पास है, पहला शिलालेख में दिया गया है क्या, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है, 11वें शिलालेख में दिया गया है क्या, छठे में दिया गया है क्या, 14th में दिया गया है क्या। तो आत्मनियंत्रण की बात जो की गई है, यानी सेल्फ कंट्रोल की जो बात की गई है, ठीक है, वो हमारा 6th शिलालेख में किया गया है, 6ठे शिलालेख में किया गया है। इसमें किया गया है, 6ठे शिलालेख में किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर मतलब ये मिस्टेक है, ठीक है, 6ठा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, 1757 में प्लासी का जो युद्ध हुआ था, सभी को पता है कि 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 23 जून, ठीक है, 23 जून, 23 जून 1757 में, ठीक है, प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। अब प्लासी का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, उसमें सिराजुद्दौला जो है वो अंग्रेजों से भिड़ गया था, ठीक है। तो ये जो युद्ध हुआ था उसमें किसने विश्वासघात किया था, जिसके कारण सिराजुद्दौला जो है वो हार गया था, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, हैदर अली, मीर जाफर, मीर कासिम, अवध के नवाब। तो आपको अगर ये नहीं आता तो आप बस इतना समझ लो, इतना या अगर आपने याद रखा है कि 1757 के बाद, ठीक है, बंगाल का नवाब कौन बना। तो बंगाल का नवाब कौन बना था 1757 के बाद, ठीक है, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था, मीर जाफर बना था। तो मीर जाफर क्यों बन गया नवाब, अपने आप तो नहीं बन गया होगा नवाब। तो मीर जाफर अंग्रेजों का सहायता किया था सिराजुद्दौला के विरुद्ध, और उसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया, उसके साथ विश्वासघात किया, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिराजुद्दौला जो है वो उसके साथ किसने विश्वासघात किया था, तो मीर जाफर साहब ने विश्वासघात किया था, और तभी तो उसे इनाम के रूप में क्या मिला, अगला बंगाल का नवाब इसे ही बना दिया गया, ठीक है। भले ही ज्यादा दिन ये नहीं चले, 3 साल ही चले, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कभी भी हुई मुझे वो मैं बात बताऊंगा, पहले मैं बताऊंगा कि पटना यूनिवर्सिटी, ठीक है, आप लोग हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट है, ठीक है। तो ये पहले याद कीजिए, आप पढ़ने वाले स्टूडेंट है तो सबसे पहले ये याद कीजिए, अगर आप बिहार में रह रहे हैं तो पटना यूनिवर्सिटी की जो स्थापना हुई थी 1917 में हुई थी। कब हुई थी? 1917 में हुई थी, और इसके पहले ही पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। तो पटना हाईकोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो हमारा 1916 में हुई थी। कब हुई थी? 1916 में हुई थी। तो ये एक रेफरेंस होगा, देखिए एक्चुअली क्या है ना, पढ़े हुए सब रहते हैं कि पटना हाईकोर्ट कब बना, पटना यूनिवर्सिटी कब बना, लेकिन भूल जाते हैं कि 1916 था या 1917 था, 1917 था या 1916 था। तो आप एक ट्रिक याद करो कि हम लोग अभी टीचिंग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग अभी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, इसलिए पहले हम लोग पटना यूनिवर्सिटी को याद करेंगे कि ये 1917 में, ठीक है, बना था, और इसके पहले हाईकोर्ट बना है, यानी 1916 में हाईकोर्ट बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, और हाई शायद ये लास्ट क्वेश्चन हो, ठीक है, बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है। तो बिहार में जो प्रखंड की संख्या है, चूंकि हम लोग बिहार के 10+2 इंटर स्तरीय एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत बिहार का बेसिक जानकारी होना चाहिए, कितने जिले हैं, लोकसभा में कितने लोग जाते हैं, राज्यसभा में बिहार से कितने लोग जाते हैं। तो आप कमेंट में बताओ कि राज्यसभा में बिहार से कितने लोग जाते हैं, लोकसभा की मैं बता दे रहा हूँ, बिहार से, ठीक है, बिहार से लोकसभा में 40 लोग जाते हैं, यानी 40 जो है वो बिहार से लोकसभा सांसद बनते हैं, ठीक है, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है टोटल 40 है बिहार में। बिहार में क्वेश्चन यह पूछा क्या जा रहा है, बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है, 233, 534, 565, 714, तो 534 जो है ये हमारा बिहार में टोटल प्रखंड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, निम्न में से बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, ठीक है, निम्न में से बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है। अगर आपसे पूछे ना
कि बिहार के सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो सोमेश्वर का शिखर है। कहाँ पर है? सोमेश्वर का शिखर है, ठीक है। सोमेश्वर पहाड़ी का जो शिखर है वो बिहार की सबसे ऊंची शिखर है। कहाँ पर है? पश्चिम चंपारण के पास है, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा क्या जा रहा है, बिहार के सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, ठीक है। तो पहाड़ी जो है ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है, हमारे पास जो ऑप्शन है उसके हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है, सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, तो सबसे ऊंची पहाड़ी जो है वो हमारा ऑप्शन क्या है, संतपुर, गृद गृदकूट पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी, बराबर पहाड़ी। बराबर पहाड़ी कहाँ पर है? गया में। कहाँ पर है? गया में। कैमूर की पहाड़ी, तो कैमूर की पहाड़ी जो है वो सबसे ऊंची पहाड़ी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों ने काफी अच्छे से एंजॉय किया होगा। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, ठीक है, बिहार को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है, ठीक है, बिहार को टोटल कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है, ठीक है। तो बिहार को टोटल 9 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। कितने बांटा गया है? 9 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा। तो आई होप ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। कैसा लगा सेशन आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि सभी लोग बेनिफिट हो सके, ठीक है। और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।